17 दिन पहले शादी के लाल जोड़े में अपने जीवन साथी के साथ देपालपुर में अपने घर से विदा हुई बेटी को क्या पता था कि मैं जिसे अपना भगवान समझकर जिसके चरणों की दासी बनकर जा रही हूं, वही मेरा कातिल बन जाएगा। कातिल ने आखिरकार नगर की बेटी अंजलि यादव को दर्दनाक मौत देखकर परिजनों से दूर कर दिया। मामला 4 दिन पहले का है, जहां देपालपुर नगर की बेटी की उसके ससुराल महू में पति विक्रम पिता महेश यादव ने हत्या कर दी। वह अपने आप को घायल कर लिया। वहीं पूरा परिवार हत्या के बाद फरार हो गया था। नगर में जिसे भी इस समाचार का पता चला, पूरे नगर की जनता की आंखों में आंसू व मन में आक्रोश फूट पड़ा। बेटी की अंतिम विदाई में जहाँ पूरा नगर उमड़ गया था, वहीं आज बेटी के उठावना के समय प्रेस क्लब देपालपुर के एक छोटे से आह्वान पर नगर के हजारों लोग भाजपा, कांग्रेस, 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट, नगर परिषद, जबरेश्वर सेना सर्व समाज, शिक्षक संघ, मेडिकल संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यादव समाज कैंडल लेकर अपनी बहन, अपनी बिटिया अंजलि को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देपालपुर इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। घटना हुई है और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस धरती पर जिसको इस घटना से गर्व नहीं हुआ। हम लोगों से, देपालपुर के लोगों से भरत दिया के परिवार के लिए जितनी जो यथासंभव मदद हो सकती है प्रशासनिक रूप से वो सभी ने मिलकर की है और पूरा प्रयास है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज हम सभी हमारी बिटिया को, हमारी बहन को श्रद्धांजलि देने के साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। भगवान के बनाए हुए जितने भी मानव हैं उनके मन में दुर्भावना ना आए और भगवान उनको ऐसी सजा दे, उनके परिवार को ऐसी सजा दे कि बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का विचार भी कभी किसी के मन में नहीं आए। यत्र नारियत्य उपजन्ते तत्र देवता रमन्ते। हम उस संस्कृति के वाहक है कि जहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं, लेकिन यह हमारे नगर, हमारे राज्य नहीं, हमारी संस्कृति के लिए भी शर्म की बात है कि आज एक हमारी बेटी को विवाह के शायद 17 दिन के पश्चात मौत के घाट उतार दिया गया है। हम किस समय जी रहे हैं और किस शर्मनाक समाज में जी रहे हैं। उस संतान पे, उसके माँ बाप भी जिसने ये कृत्य किया है वो भी दुखी होंगे और इसके पीछे जो भी सत्य है, जो असली हत्यारा है, उसको हमारे संविधान में उपलब्ध कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है कि इनके साथ जो हैदराबाद में हुआ है, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि संविधान के अनुसार जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वह उस हत्यारे को मिले। और राजेंद्र चौधरी, और नगर में इस घटना को लेकर बहुत ही आक्रोश था, नाराजगी थी और गुस्सा था। आज प्रेस क्लब देपालपुर के एक छोटे से आह्वान पर पूरे नगर के हजारों लोग एकत्रित हुए और शासन प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि दोषियों को त्वरित, उचित और कड़ी से कड़ी सजा तत्काल दी जाए और बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। हजारों की तादाद में उपस्थित होकर बेटी को हम सभी ने नम आँखों से श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है और शोक संतप्त परिवार के साथ, यादव परिवार के साथ, परिजन के साथ पूरा नगर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। बेटी अंजलि के साथ जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देपालपुर और देपालपुर क्या, पूरे देश की हर बेटी, हर माँ, हर बहन और हर बेटी का पिता बहुत सदमे में है। हत्यारों को भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें फांसी की सज़ा मिले और इस प्रकार को उनको दंड मिले कि जिस जैसा इस बेटी के साथ हुआ है ऐसा किसी अन्य बेटी के साथ कोई करने के पहले सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। हम देपालपुर नगर की ओर से बेटी को बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। चिंटू, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।